सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद व साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुलिस व एसटीएफ की टीम ने महानगर इलाके में स्थित अपार्टमेंट में दबिश दी है। मौके से पुलिस टीम को दो लग्जरी कार मिली है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। छापा रविवार देर रात को डाला गया था। वहीं लखनऊ के कई परिचितियों व मददगारों की कुंडली एसटीएफ व प्रयागराज की टीम खंगाल रही है। असद पर प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर वहां मौजूद है जहां से दो कारें बरामद की गई हैं। सागर, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बता दूं आपको, प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम जिलों में छापेमारी हो रही है। अतीक अहमद के जो बेटा है असद, उसका मुख्य नाम सामने आ रहा है प्रयागराज हत्याकांड में। और मैं इस वक्त महानगर थाने में मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं कार जो है लैंड क्रूजर कार है, जिसका नंबर है DL1CJ1737, जो कि अतीक के बेटे असद के नाम पर रजिस्टर्ड है। और यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के बेटे की तलाश में पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की थी। UPSTF भी साथ में थी और प्रयागराज पुलिस भी साथ में थी। और एक और गाड़ी है वहाँ पर, चल के भी आपको दिखाऊंगा कि एक और गाड़ी खड़ी है। इतनी लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज कार है। यहाँ देख सकते हैं पीछे की तरफ इसका कोई नंबर तो नहीं है फिलहाल। अब देखना ये भी होगा कि आगे इसका नंबर है कि नहीं। और प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ, लगातार जितनी भी एजेंसीज हैं वो अतीक के बेटे और अतीक के जो गुर्गे हैं करीबी, उनके तलाश में लगातार घूम रही है, लगातार तलाश कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। और जो अतीक के जो परिचित हैं, जो असद के भी परिचित हैं, उनसे भी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल सबकी कुंडली एसटीएफ ने खंगालनी शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि कितनी लग्जरी कार है, मर्सिडीज है, 4MATIC कार, ये बिल्कुल ही एकदम नई है, आगे से लड़ी है। और इसे एसटीएफ ने, ये देख सकते हैं इसका नंबर जो है वेस्ट बंगाल का है, WB06J9000। और देखना ये भी दिलचस्प है कि यहाँ पर लखनऊ में किस वेस्ट बंगाल की कार क्या कर रही है। और अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं लगातार उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है पुलिस। एसटीएफ लगातार कार्रवाई करती आ रही है। और जो अतीक की जो वाइफ हैं और जो तमाम जो लोग हैं उनके गुर्गे हैं, वो फरार चल रहे हैं। ये मर्सिडीज कार है, यहाँ पर हम लोग महानगर थाने में मौजूद हैं, यहाँ पर खड़ी की गई है। एसटीएफ ने यहाँ पर महानगर थाने में दाखिल की गई है। और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। पीछे फिलहाल नंबर नहीं है और बहुत ही लग्जरी कार है, R350 4MATIC। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कार को खड़ी करके दाखिल कर दिया गया है। एसटीएफ ने अपने हिरासत में कार को ले लिया था। और जो उसके जो अतीक के गुर्गे हैं उसके उन पर लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही है और छापेमारी कर रही है। जी सागर, ये दोनों कार जहां से बरामद हुई है वहां किसी कर्मचारियों से बात हुई होगी, वहां आसपास रहने वाले लोगों से पुलिस की बातचीत हुई होगी, उसमें क्या कुछ सामने आया है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल मयूरी आपको बता दूं कि एसटीएफ ने छापेमारी तो की थी और वहाँ पे जो लोग थे फिलहाल उन्हें 202 फ्लैट नंबर पे उन्होंने छापेमारी की। वहाँ पे एसटीएफ को कोई नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो गार्ड, जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि असद की लोकेशन लखनऊ में पाई थी, एसटीएफ लगातार सर्विलांस की जो टीम है एसटीएफ वो लगातार असद की तलाश में छापेमारी कर रही है। हर जगह उसकी पीछे गुर्गे भी उसके पीछे मुखबिर लगाते हैं। फिर तंत्र को पूरी तरह से बहुत ही तेज कर दिया गया है। और फिलहाल वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो किसी भी बात से कहने को इनकार कर रहे थे। और उन्हें उनका साफ साफ ये कहना था कि यहाँ पर असद बहुत ही कम आता था और फिलहाल अभी कुछ दिनों से नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी, सबसे बड़ी बात यह है छापेमारी के दौरान कि एसटीएफ को लोकेशन लखनऊ में मिलती है। लखनऊ में प्रयागराज पुलिस और UPSTF की संयुक्त टीम यहाँ पे ऑपरेशन चलाती है और वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही असद जो है वहाँ से फरार हो जाता है। और वहाँ पर एसटीएफ को तलाशी भी करती है, कमरे की तलाशी भी ली जाती है, फ्लैट नंबर 202 की तलाशी ली जाती है यूनिवर्सल अपार्टमेंट के। लेकिन वहाँ पर एसटीएफ को कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिलती है जो कि जाँच को आगे बढ़ा सके। लेकिन हाँ, यहाँ पर दो कारें लावारिस स्थिति में खड़ी मिलती हैं, जो एक लैंड क्रूजर है और एक मर्सिडीज़ है। जी
सागर, लगातार असद की तलाश जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अतीक की पत्नी ने एक पत्र लिखा था सीएम योगी को, उसमें काफी इमोशनल बातों का जिक्र किया गया है, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपसे बता दूं कि एक पत्र लिखा गया है, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि उनके दोनों बेटियों को फर्जी तरीके से फंसाया गया है और इसमें अतीक को भी फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इसमें कहीं भी अतीक का नाम नहीं है। इस केस को अतीक अहमद से ना जोड़ा जाए। लेकिन एक और बात सामने निकल कर आती है कि उन्होंने ये भी कहा था कि उमेश पाल जो है वो राजू पाल हत्याकांड का गवाह नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इतने श्योरिटी से वो कैसे कह सकते, क्योंकि पूरे कोर्ट को पता था, सभी को पता था, राजनीतिक दलों को पता था, समाज को पता था, क्योंकि उमेश पाल राजू पाल का बहुत ही करीबी एक व्यक्ति माना जाता था, बहुत ही करीबी उसका दाहिना हाथ माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक मुख्य गवाह वही था हत्याकांड में जब राजू पाल की हत्या हुई थी इलाहाबाद में, उसके बाद वही एकमात्र ऐसा गवाह बचा था जो इस केस को आगे बढ़ा सकता था और अतीक अहमद और उसके गुर्गो को सजा दिला सकता था। फिलहाल बहरहाल जो उसकी पत्नी अतीक अहमद की पत्नी, उन्होंने पत्र लिखा है, सीएम योगी से गुहार लगाई है कि उनके बेटों को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है और उनको फंसाया जा रहा है, इस वजह से वो सीएम योगी से मिलना भी चाहेंगी और शायद मुझे लगता है कि इस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ बता दूं मयूरी की लगातार राजनीतिक बयान आ रहे हैं। सीएम योगी ने भी बयान दिया था दो दिन पहले, मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद जेपीएस राठौर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका भी साफ साफ एक बयान आया था, तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ ये कहा था कि अगर पुलिस हिरासत में गुर्गे आते हैं तो वहाँ ज़्यादा नोकझोंक वो ना करे, कहीं ना कहीं गाड़ी भी पलट सकती है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि गाड़ी पलटने वाला वाक्या विकास दुबे के साथ हुआ था, क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी मारा गया था और उसे उस इनकाउंटर में मारा गया था। तो यहाँ एक संकेत दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि अपराधी अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा, या तो फिर आत्मसमर्पण करे। और मुझे लगता है नहीं है कि आत्मसमर्पण करने की स्थिति में कोई भी गुर्गा होगा या फिर कोई भी बदमाश होगा। फिलहाल अभी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि एक शूटर की मौत हो चुकी है इनकाउंटर में, अभी 8 जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं और नेपाल की तरफ भी एक बार इनपुट बहुत ही तेज कर दिया गया है, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि एक जो शूटर है लोग हैं जो शूटर हैं उसके साथ एक बमबाजी करने वाला व्यक्ति है, वो भी इससे पहले भी नेपाल में उसके काफ़ी तार अच्छे से जुड़े हैं और एक परवेज ताड़ा हुआ करता था 90 के दशक में, वो संपर्क में था उसके, उस वजह से नेपाल में उसके संपर्क बहुत अच्छे बने। उसके बाद लगातार वो कोई भी व्यक्ति कोई उस जुर्म करके नेपाल भाग जाता था, लेकिन अब फिलहाल नेपाल में इनपुट बहुत तेज कर दिया गया है। जी सागर, मैं चाहूंगी कि वो दोनों गाड़ियां एक बार आप फिर से दिखाएं जो बरामद की गई हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये लैंड क्रूजर है जिसका नंबर आप देख सकते हैं कि जी लैंड क्रूजर है, लावारिस स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। फिलहाल अपार्टमेंट में भी लावारिस स्थिति में ही खड़ी हुई थी और यहाँ पर प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने महानगर थाने में इसे दाखिल किया है। इसका नंबर है DL1CJ1737, ये लैंड क्रूजर है और यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान UPSTF और प्रयागराज पुलिस को ये दोनों कारें मिली थी। एक यहाँ देख सकते हैं ठीक सामने, ये मर्सिडीज कार है, ये वेस्ट बंगाल नंबर की है, इसे भी यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने यहाँ पर महानगर थाने में दाखिल किया है। जी देख सकते हैं मर्सिडीज कार है, वेस्ट बंगाल नंबर की है और ये काफ़ी शत विशत हालत में, इसका बोनट जो है आगे से फिलहाल टूटा हुआ है और ये अतीक अहमद के जो बेटे हैं असद, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है और क्योंकि यूनिवर्सल अपार्टमेंट जो था कमरा नंबर 202 वो भी इनके नाम रजिस्टर्ड था। फिलहाल मौके से वहाँ पर UPSTF को, प्रयागराज पुलिस को नहीं मिला, वहाँ पर अपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पर तलाशी भी ली गई है। फिलहाल इसका नंबर आप देख सकते हैं WB06J9000, ये मर्सिडीज कार है, लग्जरी कार है, 4Matic कार है। जी मयूरी, लगातार पुलिस दबिश दे रही है और सागर महानगर थाने में मौजूद हैं जहां पर बरामद गाड़ियों को रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए।
और इस बता दें मर्सिडीज व लैंड क्रूजर गाड़ी बरामद की गई है। मददगारों की कुंडली लगातार एसटीएफ खंगाल रही है। लगातार इस पूरे मामले में पुलिस की दबिश जारी है। असद की तलाश में लखनऊ में दबिश दी गई है, जहां दो गाड़ियों को बरामद किया गया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, अब तक का क्या कुछ अपडेट है प्रयागराज से? जी बिल्कुल, मैं पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से शुरू किया जाए तो 24 फरवरी को करीब 4:30 बजे राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को उनके घर के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। तब से लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस व यूपीएसटीएफ लगातार इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए लगी हुई है। बीते 2 दिनों पूर्व प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें एक अपराधी की मौत हो गई तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल से पुलिस द्वारा एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अगर आज की बात की जाए तो खबरें सामने आ रही हैं कि लखनऊ स्थित एक अपार्टमेंट में 2 गाड़ियां बरामद की गई और ये दोनों गाड़ियां हैं वो अतीक अहमद के नाम है। अगर बात की जाए प्रयागराज पुलिस की और यूपीएसटीएफ की, तो जिस तरीके से पूरी पुलिस टीम इस पूरे मामले को खुलासा के लिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की कड़ी जो है वो अतीक अहमद के आसपास जो है घूमती हुई नजर आ रही है। अगर इस पूरे कड़ी को देखा जाए तो अतीक अहमद के जितने भी परिचित हैं, जितने भी उनके करीबी हैं, उनको लगातार पुलिस की टीमें उनको सर्च कर रही है, उनको पकड़ रही है, उनको उठा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अगर प्रयागराज की बात की जाए तो करीब 50 से अधिक लोगों को पुलिस द्वारा उठाया गया है अलग अलग स्थानों से, उनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग तरीके से उनसे जो है जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर लेगी। बीते कल केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की उन्होंने सराहना की और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि पूरे घटनाक्रम में शामिल अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जिस तरीके से प्रयागराज में पुलिस के अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहे गए शब्द जो है जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। तो लगातार जो पुलिस की टीम है उस पूरे मामले को अनावरण करने के लिए कार्य कर रही है। प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा द्वारा इस पूरे टीमों को पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की जो 10 टीम है वो लगातार अपने कार्य में लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और ये पूरी कड़ी है वो घूम के पहुंच जाती है अतीक अहमद के आसपास। तो अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं और जितने भी उनके परिचित हैं उनको पुलिस लगातार उनको पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। जी पवन, इस पूरे मामले की शुरुआत प्रयागराज से होती है लेकिन इस पूरे मामले की कड़ी कई शहरों से निकल रही है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है, और किन किन शहरों में ये कार्रवाई हो रही है? अब चूंकि बीते परसों जब पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको सार्वजनिक नहीं की जाती है क्योंकि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं उसकी जो है चीजें वो लीक ना हो जाए और इनके ऑपरेशन में कहीं ना कहीं उसको प्रभावित ना करें। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तमाम ऐसी चीजों को सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि छोटी छोटी चीजें जब बाहर आ जाती हैं तो इनके ऑपरेशन को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। हालांकि पुलिस की टीमें हैं जिले के कई स्थानों पर, अन्य प्रदेशों में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरीके से लगातार पुलिस इस अभियान में जुटी हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी सामने आएगी। इसके कहीं ना कहीं जो है एक छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार पुलिस की टीम काम कर रही है तो एक संदेश जो है वो सामने आ रहा है कि पुलिस की टीम जल्द इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करेगी और बड़ी जो है कार्रवाई वो सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें सक्रिय है। पुलिस लगातार अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, अलग अलग स्थानों से उनको उठाया जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और सारी कड़ियों को मिला के जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य मास्टरमाइंड है वो अतीक अहमद एंड कंपनी है। तो पुलिस की टीम अतीक एंड कंपनी को लेकर चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है और तमाम अन्य पहलुओं पर भी पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। जी मयूरी, पवन इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में 8 आतंकी मौजूद थे। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए हैं। बता दें आईएसआईएस के 7 आतंकी को 7 साल की मृत्यु दंड, 1 को उम्र कैद सुनाई गई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी देखिए मयूरी, आपको बता दूं ये 7 मार्च जी सागर से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया है। उस वक्त कोर्ट में 8 आतंकी मौजूद थे। एक बार फिर से संवाददाता सागर का रुख करेंगे। सागर, एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सबसे पहले आप दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मामला था क्या। जी देखिए मयूरी, आपको बता दूं ये 7 मार्च 2017 की घटना है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन जो कि मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, जबड़ी एक स्टेशन पड़ता है। यहाँ पर बोगी की स्पीड कम होती है और स्पीड कम होने के दौरान ही एक जनरल बोगी में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर कई लोग घायल हो जाते हैं, किसी की उंगली कट जाती है तो किसी के पैर जख्मी हो जाते हैं। और कुछ लोग इस ब्लास्ट के डर से या अपनी कहिए जान बचाने के एवज में ट्रेन से भी कूद जाते हैं। तो तकरीबन इसमें 30 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो 8 लोग तो केवल जो ट्रेन के उस वक्त बोगी में मौजूद थे वो लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि उपचार के दौरान वो सब ठीक भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, लेकिन जो कूदे थे वो लोग भी घायल हुए। उसके बाद से ATS ने 8 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज किया विस्फोट होने के दौरान, विस्फोट होने के बाद में। उसके बाद लगातार ATS की छापेमारी हुई। ATS ने यहाँ कानपुर, प्रयागराज और तमाम जो मथुरा है, मेरठ है, यहाँ पर छापेमारी करी और 9 आतंकियों को गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उन आतंकियों से पूछताछ के दौरान इनपुट में एक आतंकी और था लखनऊ में काकुरी इलाके में, सैफुल्ला, जो कि विगत कई दिनों से वहाँ पर रह रहा था। उसके बाद ATS वहाँ पर जाती है, कम से कम 3 से 4 घंटे की मुठभेड़ होती, क्योंकि वो आतंकी था, वो कमरे के अंदर उसने अपने आप को बंद कर लिया था और ATS को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितने आतंकी हैं। फिलहाल ATS ने ये सर्च ऑपरेशन बहुत अच्छे बेहतर तरीके से निभाया और उस आतंकी को मार दिया। उसके बाद से लगातार यहाँ सुनवाई हुई। 20 मार्च 2018 को यहाँ पर जो 8 आतंकी हैं इनका जुर्म तय हुआ। उसके बाद से लगातार इनकी सुनवाई होती चलेगी और ATS और NIA की कोर्ट ने बीती शुक्रवार को इनको इनके आरोप तय किए थे। उसके बाद सोमवार को इनकी सजा का ऐलान होना था, लेकिन किसी कारणवश कोर्ट ने सजा की ऐलान को सुरक्षित रखते हुए उसको फैसले को मंगलवार को बोलने को कहा। लेकिन सुबह से ही, कल मंगलवार की बात है, सुबह से ही कल एक संशय बना हुआ था कि फैसला कब आएगा, क्योंकि कोर्ट तो बैठ गई थी और जो मुजरिम थे वो लोग भी अंदर थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अफवाहें चल रही थी कि फैसला शायद 1 मार्च को यानी आज आ सकता है। लेकिन संशय टूटा। रात तकरीबन 8 बजे कोर्ट ने 8 में से 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और 1 को उम्र कैद सुनाई है। फिलहाल ATS और NIA की कोर्ट है विवेकानंद शरण पांडे। जी बता दूं आपको कि जो 8 आतंकी, इनको रासुका लगा था और देश विरोधी गतिविधियां करना, देश से युद्ध छेड़ना और बम विस्फोटक बनाना, विस्फोटक पदार्थ रखना, गोले बारूद रखना, इस तरह से जितने भी आरोप थे इनके ऊपर लगे थे। और ये माना भी जा रहा था कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं इसमें सजा फांसी की होनी, क्योंकि इन्होंने जनहानि भी की थी और एक आम जनमानस को नुकसान पहुँचाने की, जनहानि करने की, जान से मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये रही कि इस विस्फोटक में, जो ट्रेन में विस्फोट हुआ, उसमें किसी की भी जनहानि नहीं हुई, जान नहीं गई।
तो ये मामला है, फिलहाल काफ़ी सालों से चल रहा था, विगत 5 सालों से चल रहा था, लेकिन इसका फैसला कल आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी इसमें घायल हुए होंगे उन्हें बहुत अच्छा न्याय मिला, बहुत बेहतर न्याय मिला। जी सागर, इस पूरे मामले में 5 साल बाद इंसाफ मिला है, आखिर इतना वक्त कैसे लग गया? जी देखिए मेरी बात ऐसी होती है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत जो ये ऐसे मामले होते हैं जो आतंकवादी मामले होते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इसमें एक बहुत ज़्यादा ही डीपली इन्वेस्टिगेशन होती है क्योंकि ATS इसकी जांच करती है, ATS परत दर परत ATS ने यहाँ पर खंगाले, तमाम ज़िलों में छापेमारी करी, तमाम लोगों को वहाँ से पकड़ा, तमाम लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, उसके बाद कड़ी दर कड़ी ATS जोड़ती गई। उसके बाद कानपुर में एक आतंकी पकड़ा गया, उसके इनपुट पर 3 आतंकी पकड़े गए, फिर वो 3 आतंकी हो गए 4 आतंकी, 4 आतंकियों से पूछताछ की, गहनता से पूछताछ की, उसके बाद 4 आतंकी और पकड़े गए। तो फिलहाल कुल मिला के इस ऐसे मामलों में आतंकवादी गतिविधियों के मामले में समय लगता है क्योंकि ATS जांच करती है, उसके बाद ATS की जांच के बाद इस जांच को NIA की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, NIA ने भी अपनी तरफ से बहुत बेहतर जांच करी और जांच को 5 साल के अंदर ही इसका फैसला आ गया। जी जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। बता दें सभी 8 आतंकियों को सजा सुनाई गई है और 5 साल बाद इस पूरे मामले में इंसाफ मिला है। ISIS के 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 7 को मृत्यु दंड दिया गया है, वहीं 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट का मामला है जिसमें सभी 8 आतंकियों को सजा सुनाई गई है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।